दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल जहां टीम इंडिया ठहरी है उसके पास एक मॉल में कुछ लोगों ने एक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों को कंपनी के विज्ञापन पर आपत्ति थी। इस तोड़फोड़ और हंगामे को देखते हुए टीम इंडिया की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका में है, एक होटल में जोहान्सबर्ग में मौजूद है। वहीं पर साथ वाले मॉल में प्रदर्शनकारियों ने कुछ इस तरह की हरकत की जो आपके सामने तस्वीरों में है, और इसी को देखकर होटल के आसपास की सुरक्षा और होटल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती साउथ अफ्रीका से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये प्रदर्शन लोग जो कर रहे हैं ये कौन है, क्या चाहते हैं? देखिए, ये इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स बोल के एक पार्टी है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टी उनके एक्टिविस्ट है, और ये H&M जो क्लोथिंग स्टोर है उनके जो स्टोर्स है जोहान्सबर्ग में और दक्षिण अफ्रीका के बाकी जगहों में, वहां प्रदर्शन किया कल जब मैच चल रहा था तब। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है सेंट्रल इलाके के, और सेंट्रल इलाके में भारतीय टीम रुके हुए हैं, और होटल से सटे हुए एक मॉल है जिसमें भी तोड़फोड़ किया गया। इसके वजह से जोहान्सबर्ग पुलिस जो है वो भारतीय टीम का जो सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्णय लिया, और कल जब भारतीय टीम होटल पहुंचे सेंट्रल इलाके में वहां सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। आज जोहान्सबर्ग से सुबह भारतीय टीम सेंचुरियन पहुंचेगी दूसरे दिन का खेल खेलने के लिए। हालांकि मैच सेंचुरियन में हो रहा है लेकिन सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग ट्विन सिटी है, जैसे कि नोएडा और दिल्ली, तो वैसे ही जोहान्सबर्ग से हर रोज भारतीय टीम 40 किलोमीटर ट्रैवल करके टीम इंडिया यहाँ पहुंच रही है खेलने के लिए सेंचुरियन में। लेकिन जोहान्सबर्ग में जहाँ वो रुके हैं वहाँ सुरक्षा बढ़ा दिया गया है टीम इंडिया का। ये है ABP News, आपको रखे आगे।